सो हे गाइस, दिस इज अनुजोपी। और गाइस, आज के स्टूडियो में हम देखने वाले एक और सोलो मिरामार गेम प्ले। और ये वाले गेम प्ले में गाइस इंडोनेशियन लॉबी लगी थी, अपनी इंडियन लॉबी नहीं थी। पिंग थोड़ा हाई था, 100 एमएस तक पिंग आ रहा था। नॉर्मली मेरे को 40 टू 60 पिंग मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा पिंग हाई था। तो देखो गाइस ये वाले मैच में क्या होता है। गाइस मे बी ये वाला गेम प्ले आपको उतना खास नहीं लगे, क्योंकि इंडोनेशियन लॉबी में कभी कभार बहुत ही अच्छे बंदे आ जाते हैं, कभी कभार उतने अच्छे बंदे नहीं आते। तो इसमें मिक्स लॉबी थी गाइस, कुछ बंदे अच्छे थे, कुछ बंदे नूब थे। तो ये वाला गेम प्ले देखो, अगर पसंद नहीं आएगा तो कल का वेट करना गाइस, कल तो ओपी गेम प्ले आएगा। और अगर आपने कल के और परसों के गेम प्ले मिस किए तो गाइस वो जाके देखो, वो बहुत ही अच्छे गेम प्ले थे, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, मैं कल किसी चीज़ में बिजी था, एक चीज़ पे मैं काम कर रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा गेम्स नहीं खेले और अच्छा गेम प्ले मैं उतना अच्छा गेम प्ले मैं नहीं ला पाया आज। फिर भी गाइस एक बार देख लो आप, मे बी आपको पसंद आ सकता है। और गाइस जो नए बंदे हैं वो लोग इरेंगल बोल रहे हैं, इरेंगल खेलने। गाइस हम क्राउन में पहुंचने के बाद इरेंगल खेलते हैं, अभी थोड़ा बहुत मिरामार खेलते हैं, क्योंकि मिरामार शुरू में बहुत अच्छा प्लस देता है, इजी प्लस मिलता है यहाँ पे। तो हम मिरामार भी अपना इरेंगल भी खेलेंगे गाइस, टेंशन मत लो, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इस वाले गेम प्ले बढ़ते। तो गाइस मैं उतरा था पिकाड़ो पे, और पिकाड़ो में लिटरली एक भी बंदा नहीं आता, तो वहाँ से मैं गाड़ी लेके सीधा निकल पड़ा बंदे ढूंढने। और यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। तो गाइस इस वाले बंदे को तो इजीली फिनिश कर दिया। इस बंदे के पास थे यूएमपी और मैं चला रहा था वेक्टर, तो भाई वेक्टर ओपी और इसको इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद एक और बंदा पास ही में था गाइस, जो कि विंचेस्टर चला रहा था, और मैंने सोचा भाई चलो पहले नीचे वाले हाउसेस पे चलते, वहाँ से एक आध एंगल निकालेंगे और क्लोज इन करके उसको फिनिश कर देंगे। तो देखो गाइस आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने फैसला किया कि भाई उसके पास जाऊँगा, उसके नज़दीक जाऊँगा, क्लोज फाइट लूँगा। यहाँ पर रिजेस का एडवांटेज था मेरे ऊपर, वो मेरे ऊपर कोई एंगल नहीं निकाल सकता था। तो देखो गाइस अभी यहाँ पे फाइट कैसी होती है। तो गाइस यहाँ पे बंदा यूज़ कर रहा था स्कॉर्पियन और उसके साथ थी विंचेस्टर। भाई क्या भाई क्यों यूज़ कर रहा भाई। और उसमें भी गाइस ये बंदा मेरे को लिटरली मार देता था यहाँ पे, इतना हेल्थ लो कर दिया था। बट जैसे तैसे मैं यहाँ पे बच गया। और उसके बाद गाइस मैं चला गया सीधा ड्रॉप के पास, और ड्रॉप के पास पहले जाके मैंने स्मोक वगैरह कर लिया। गाइस गड़बड़ी में लूटने के चक्कर में होता क्या है कि कोई बंदा आपके ऊपर एम करके बैठा हुआ होता है और वो आपको मार सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट दो और उसके बाद स्मोक्स वगैरह यूज़ करो, फिर जाके ड्रॉप लूटो गाइस। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप से मिल जाती है MK-14, जो कि मैं उठा लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। रास्ते में गाइस गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है मुझे। तो गाइस पहले तो मुझे लगा कि ये कोई बंदा है, बट बाद में जब चेक किया मैंने तो वहाँ पे एक बॉट दिखाई दिया मुझे, और उसको भी हमने इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से बंदे ढूंढने निकल पड़ा और आ गया था इस वाले कंपाउंड पे। यहाँ पे मैंने फुल बूस्ट कर लिया। उसके बाद गाइस यहाँ से मैं निकल नहीं वाला था कि तभी देखो गाइस कि मुझे एक बग्गी का साउंड सुनाई देता है। तो गाइस यहाँ पे गड़बड़ी में उससे शायद से फायर का बटन दबा ही नहीं, और ये बंदा गाइस इजीली फिनिश हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से गया दूसरे ड्रॉप के पास, क्योंकि ये दूसरा ड्रॉप नज़दीक ही गिरा था।
तो गाइस यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बग्गी दिखाई दी जो कि स्पॉन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी और बंदा तो कोई स्पॉट नहीं हो रहा था। मैं बार बार चेक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि ड्रॉप के पीछे मे भी हो सकता है, बट मैं थोड़ा ओपन में था, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने यहाँ से निकलने का फैसला किया। और तभी देखो गाइस कि होता क्या, मुझे एकदम से बग्गी का साउंड सुनाई देता है। तो गाइस ये वाले बंदे को भी इजीली फिनिश कर दिया। और इस वाले बंदे के पास थी M249 जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने M249 उठाई ली और MK14 फेंक दी वहीं पे। और उसके बाद मैं जोन की तरफ बढ़ रहा था और जाते जाते गाइस यहाँ पे मुझे एक व्हीकल दिखाई दिया जो कि ऑलरेडी डैमेज था। तो गाइस शुरू में तो मैंने बुलेट्स मिस कर दी थी बट बाद में कनेक्ट हो गए और ये वाला बंदा भी गाइस यहाँ पे फिनिश। और उसके बाद गाइस मैं यहाँ से उसकी बॉडी उसकी क्रेट लूटने चला गया और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी फंसा दी। तो गाइस अभी मुझे यहाँ से पैदल ही जाना था क्योंकि व्हीकल तो फंस गया था। और यहाँ पे मैं बंदे भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, हर जगह पे देख रहा था मैं। इसी बीच गाइस मुझे यहाँ पे क्लोज में से बैरल की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं उस डायरेक्शन में चला गया। और यहाँ पे देखो गाइस ये वाला बंदा बहुत ही अच्छा था और इसके साथ फाइट कैसी होती है देखो आप। तो गाइस यहाँ पे मैं बाल बाल बचा, उस बंदे के पास थी M249, उसने लेट फायर दिया इसलिए वो मारा गया, नहीं तो भाई मैं ही मर जाता यहाँ पे। और उसको मारने के बाद मैंने यहाँ पे हील अप वगैरह कर लिया। तो गाइस अभी पूरा ओपन सर्कल बाकी था और मैं बंदे देख ही रहा था कि तभी मुझे एक लेटा हुआ बंदा स्पॉट होता है। तो गाइस ये वाले बंदे को इजीली हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइस आगे वाले पहाड़ पे एक शैक था छोटा सा, तो मे बी मुझे वहाँ पे लगा कि बंदा हो सकता है, तो वहाँ पे मैंने एक बार स्कोप इन किया और मुझे वहाँ पे एक बंदा दिखाई दिया गाइस। तो गाइस अभी मुझे ओपन में जोन में जाना था इसलिए मैंने उसके ऊपर ऐसे ही उसे डराने के लिए फायर लिया ताकि वो मेरे को पीक ना दे। तो गाइस अभी मैं जा रहा था जोन में, इसी बीच गाइस मेरे ऊपर एसकेएस से शॉट्स लेता है एक बंदा दूर से। तो गाइस अभी बचे थे टोटल चार बंदे जिसमें से एक मैं था, एक शैक में बैठा था और एक राइट साइड में एसकेएस चला रहा था। मुझे बस एक ही बंदे की पोजीशन पता नहीं थी, तो उस बंदे की पोजीशन अभी आगे जाके आपको पता चलेगी गाइस। वो बंदा सप्रेसर बैरल चलाएगा अभी। तो गाइस एक इजी चिकन डिनर। और यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ गाइस, जैसे ही मुझे पहला बंदा स्पॉट हुआ उसको मैंने फिनिश किया। उसके बाद मुझे पता था कि एसकेएस वाला बंदा जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर मैंने शॉट्स ट्राई किया बट वो बंदा गाइस प्लेजोन से मारा गया। उसके बाद जो शैक वाला बंदा था गाइस वो बाहर आने वाला था क्योंकि शैक जोन में नहीं था, तो वो सामने आके बुश में छिप गया था और उसको भी हमने ईजिली फिनिश कर दिया। तो गाइस इसमें ओवरऑल उतना कुछ खास प्लस नहीं मिला क्योंकि इंडोनेशियन लॉबी थी। तो गाइस कल का वेट करना, कल आएगा अपना ओपी वाला गेम प्ले। और गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे मदन और मेरी एक पुरानी फाइट मैंने डाली है, आपको अगर वो देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप फॉलो करके देख सकते हो वो क्लिप, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।